मतलब आज मैं बाहर आई हूँ तो इसमें सिर्फ थोड़े लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिसमें दिल्ली सिख प्रबंध दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जमहिंदर सिंह सिरसा जी जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, जो आर एस सीमा जी है, हरिंदर सिंह बैंस जी है, हरमीत सिंह है जी हैं, मतलब इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, और देश की जो जनता है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। वरना जो मेरे पे केस लगाए गए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि 302 से भी ज़्यादा खतरनाक 307 होता है, वो भी मुझ पर लगाया गया। हालांकि उस पर उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से, इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज डर के घर पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है तो आगे भी मैं पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई भी मेहनतकश तबका हो, जिनके साथ ज़्यादती होती है उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने यही देखा है कि दलित लोगों के साथ क्या होता है, किसानों के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, जो मैंने खुद भी अपने ऊपर सहा है, या मैंने अपने घर वालों के ऊपर, या मैंने आस पास देखा है। तो ये आज का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है, जो दलित समाज के लोग हैं उनको ये समझा जाता है कि ये सिर्फ काम करने के लिए बनाए गए हैं। जब काम करना होता है, जब गटर साफ करने होते हैं, जब कोई ऐसे काम करने होते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तो दलित समाज के लोग सबसे पहले होते हैं, सबसे पहली लाइन में उनका नाम होता है। लेकिन जब उनको सहूलत देने की बारी आती है, जब कोई ऐसी बारी आती है कि भाई समाज का सुधार हो, तो सबसे पीछे दलित समाज खड़ा होता है, या सबसे पीछे किसान खड़े होते हैं, जब मेहनत का तबका खड़ा होता है जो मेहनत करता है। आज भी हमारे समाज में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी न्याय नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन इतना ख़राब है कि हम लोग जाते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन उल्टा उन्हीं लोगों पर FIR दर्ज होती है जो जनता की आवाज़ बनता है। लेकिन आज हम लोग ये देख पाए हैं कि सच्चाई की चीज़ ज़रूर होती है, जनता के सामने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आज सबके सामने आई है। आज जनता की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, और मैं ये लास्ट तक मैं यही बोलती रहूँगी कि जनता जिस तरह से नवप्रीत जी ने बताया, नवदीप जी ने बताया कि 45 दिन पुलिस ने किस तरीके से तशद्दुद की, किस तरीके से जुल्म किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा, जो आवाज़ उठाने वाले मजदूरों के खिलाफ के हक में, किसानों के हक में, और कोई भी कसूर ना होते हुए जिस तरीके से उनके ऊपर दफाएँ लगाई, इस देश के अंदर इससे बुरा वक्त शायद उस समय भी नहीं था जिस वक्त अंग्रेज राज करते थे। आज जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक राइट को दबाने की कोशिश की जा रही है, टोटल ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो आवाज़ उठाई ह्यूमन राइट्स के लिए उठाई थी, किसान वर्ग के लिए उठाई, मजदूर वर्ग के लिए उठाई, और आज जिस तरीके से इन्होंने बताया कि देश के अंदर जहां कंदा कानून चल रहा है, अपनी सरकार हो, अपना कानून बनाया जा रहा है, अपनी पुलिस हो, और किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म किया गया, ये बहुत ही निंदक योग है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस हमारी छोटी बहन के ऊपर हाथ रखा है, और सारी कमेटी ने फैसला किया कि जब तक इनके ऊपर ये केसेस चलेंगे, सारी कमेटी इनका सहयोग करेगी। जो ये इस वक्त भी बेल के ऊपर आए हैं, पूरी कमेटी और हमारे बहुत ही माननीय श्री RS चीमा जी, हरिंदर सिंह बैंस, उन्होंने जो ये हमारा सहयोग दिया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये लड़ाई जब तक हमारी बहन लड़ेगी, हम इसका सहयोगी बन के, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो आवाज़ बनी है और इनके साथ जो सोशल मीडिया ने जो आवाज़ उठाई है देश के अंदर, और पूरी आवाज़ एक होने से इनके ऊपर, सरकार के ऊपर ये दबाव पड़ा है, कोर्ट कानून के ऊपर ये दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से आज ये हमारे बीच वापस बाहर आ सकी है। और इस बात के ऊपर हम बिल्कुल पहरा देंगे कि इनके ऊपर आगे आने वाले समय में ऊपर ऐसी कोई भी तशद्दुद ना उठाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, कहते मैं हुणे आना, मैं बीमार है पर मैं हुणे आ रहा हूँ।
बच्चा इत्थे रह इत्थे अपना जीवन बतीत करना गाँव का कम जिन्ना भी है इत्थों करना बजाय अमृतसर तो।